जय हिंद दोस्तों। महिंद्रा स्कॉर्पियो भारतीय रोड किसान भारतीयों की जान और एक्चुअल में ये बात प्रूफ होती है, क्योंकि आप देख लो यूपी बिहार हरियाणा झारखंड ऐसे जो राज्य हैं स्टेट से, वहां पर महिंद्रा स्कॉर्पियो को सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द पीपल बाय करना पसंद करते हैं किसी और एसयूवी के मामले या किसी और कार के मुकाबले। क्योंकि देखो इंडियन रोड्स के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा स्कॉर्पियो जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो मोस्ट ऑफ द कारों से ज्यादा है, अच्छा भी लगता है। और हमारे गाँव में यदि विधायक जो एमएलए साहब तो उनके पास फॉर्चुनर न हो या स्कॉर्पियो ना हो तो उनके पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर इंडियन रोड्स में यहाँ पर सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेफर कार में से या एसयूवी में से माना जाता है वो होता है महिंद्रा का स्कॉर्पियो। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर महिंद्रा अपना जो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो लेके आने वाले है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि महिंद्रा का XUV700 कितना सेफेस्ट कार में से एक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इसके अंदर डाले गए सेफ्टी पर्पज को ध्यान रखते हुए। तो ये बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो आने वाला, वो क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या होने वाला है, क्या इंजन का ऑप्शन होगा, क्या ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, क्या सेफ्टी पर्पस को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो को एक बार फिर से रोड टेस्ट के दौरान देखा गया, स्पॉट किया गया है। स्कॉर्पियो की करंट की जनरेशन कई वर्षों से मोस्ट पॉपुलर एसयूवी में एक रही है, और नेक्स्ट जनरेशन का मॉडल जो होगा श्योर है ना कि यहाँ पर ऐड करेगा आइकॉनिक, ऐड करेगा मॉडर्न टच को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आप अभी देखते हो महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर उससे तो कई गुना बेटर देखने मिलेगा। तो वीडियो पसंद आ रही हो ना, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है। और जहां तक नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो की बात है तो वहां पर आपको कुछ नया देखने मिलेगा, कुछ यूनिक देखने मिलेगा, और इसे थार के प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एसयूवी अपने आउटगोइंग लुक में थोड़ी थोड़ी बदलाव करने की कोशिश में है और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर। और इसे स्पॉट भी किया गया, जैसे कि इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, बोल्डर ग्रिल, चंकियर बम्पर्स एंड मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स देखने लगे। और लेटेस्ट इमेज की माने ना तो यहाँ पर आपको व्हीकल के साइड में ओपनिंग रियर डोर देखने को मिलेगा, और जिससे कंफर्म होता है कि नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो मॉडल में आपको बहुत कुछ यूनिक देखने को मिल जाएगा। तो ये बात करते हैं यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो के फीचर्स एंड स्पेक्स के बारे में। तो देखो इसमें आपको 2 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन के साथ आपको देखने को एक कार मिल जाएगा। और थार के लिए जो मिला था ना आपको स्टेलिन का, एम स्टेलिन का जो एम हॉक इंजन, वो सब आपको देखने मिलेगा, जिसमें आपको 150 bhp का जो पावर जनरेट करेगा, और दूसरे एम हॉक के अंदर आपको 132 bhp का यहाँ पर आउटपुट पावर देखने को मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पर ट्रांसमिशन की बात करो तो यहाँ पर आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 6-speed ऑटोमेटिक यूनिट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही कमाल का है, जैसे कि आपने XUV700 में देखा था। और जो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो होगा ना, उसमें आपको जो बॉडी फ्रेम दिख रहा है बहुत कमाल का मिला, कुछ यूनिक जैसे मिलेगा। प्लस में यहाँ पर 4x4 का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो महिंद्रा स्कॉर्पियो ने कुछ हाल फिलहाल सालों में बंद कर दिया था, लेकिन इसमें देखने मिलेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको इंटीरियर के अंदर क्या क्या देखने मिलेगा। जैसे कि आपको बताऊँ तो आपको लार्ज साइज का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने मिलेगा, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील देखने मिलेगा, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड मैनुअल पार्किंग ब्रेक भी देखने मिलेगा। और यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात चल रही है तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले देखने मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा एंड वॉइस कमांड देखने मिलेगा, जैसे कि आजकल ट्रेंड बन गया वॉइस कमांड से मोबाइल में मिलता है, हे गूगल हे सिरी, कुछ ऐसा टाइप को आजकल गाड़ियों में देखने मिलेगा। और इसके जो प्राइस स्टार्टिंग हुई ना वो 9 लाख रुपये स्टार्ट होने वाला, और इसका प्राइस 16-17 लाख तक जाने वाला है। और जो भी आपको टॉप ब्रांड लेना है, बेस्ट ब्रांड लेना है, आपको सब वैल्यू फॉर मनी होना, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा जो XUV700 था वो वैल्यू फॉर मनी सामने निकल गया। तो यहाँ पर ये भी आपको वैल्यू फॉर मनी होने वाला है महिंद्रा की तरह से आने वाला नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, तो आप मुझे बताना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं आपके इस तरह कमाल के वीडियो लाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद, वंदे मातरम।